कोई भी एलिमेंट आप लोगे इमर्जेंस ऑफ एक्स टू क्या बनाएगा, ई एक्स टू बनाएगा और क्या बनाएगा ई एक्स फोर, ई एक्स टू और ई एक्स फोर बनाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से मिलते, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, जितने भी हैं सब क्या बनाएंगे, प्लस फोर वाले भी कंपाउंड और प्लस टू वाले भी कंपाउंड, दिख रहा है। तो अगर मैं आपको यहां पूछूं एक बात कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सपोज मैं बोलूं एक पी बी एक्स टू है, एक पी बी एक्स फोर है, विच इज मोर स्टेबल, एक पी बी एक्स टू एक पी बी एक्स फोर विच इज मोर स्टेबल, पी बी एक्स टू, पी बी एक्स टू, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेर इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम बोलूं जी ई एक्स टू और जी ई एक्स फोर विच इज मोर स्टेबल, GEX4 एकदम सही, ये क्या हो जाएगा GEX4, ठीक है। अच्छा इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सबका क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp3, इसका भी क्या होगा sp3, इसका भी क्या होगा sp3, और शेप क्या होगा इसका, हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका क्या हो जाएगा बेंड या फिर वी शेप। अच्छा बताओ सब के सब क्या हैं आपके, क्या बोलते हैं उसे, sp3 डेटर एक्सेप्ट टू SnF4 और PbF4 sp3 टेट्राहेड्रल नहीं है, सोचो क्यों, क्या होगा रीजन, ये sp3 और टेट्राहेड्रल नहीं है क्यों, आयन, हाँ ये जो कंपाउंड है क्या है, आयोनिक है, कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड में थोड़ी ना करोगे हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आयन के फॉर्म में रहेंगे, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, तो क्या होगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा आयोनिक बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन ही जो फंडा है वो किसका है, कोवेलेंट कंपाउंड का है। चलिए बताइए PbI4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा सर, डजंट एग्जिस्ट, हाँ PI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है PBI वाले बॉन्ड को कि वो 6s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइड कर सके, ठीक है। और एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन जो आ सकता है कि CCl4 प्लस पानी और SiCl4 प्लस पानी कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, बहुत फेमस है ये, क्या लगता है सर, CCl4 नहीं करेगा सर, हाँ ये नहीं करेगा और ये वाला कर जाएगा, ये बन जाएगा SiOH का 4 और 4 मोल ऑफ HCl, SiOH का 4 और क्या बन जाएगा 4 मोल ऑफ HCl, ठीक है। अब क्यों नहीं करता, देखो ध्यान से, ये नहीं करता क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन, कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, है ना। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन में SiCl4 है, अगर मैं डाल दूं पानी, क्या डाल दूं पानी, इस पर अटैक करेगा, कहाँ अटैक कर रहा है, ऑफ कोर्स वैकेंट डी ऑर्बिटल में, कहाँ अटैक कर रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल में, क्लोरीन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो, यहाँ आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ निकला सीएल माइनस, तो ओ पे चार्ज क्या जाएगा प्लस, ओ पे चार्ज क्या आएगा प्लस, ओ पे प्लस आया तो पगला आएगा, पगला क्या तोड़ेगा एच प्लस तोड़ेगा, तो यहाँ से निकला एच प्लस, तो ये एच प्लस ये सीएल माइनस क्या बन जाएगा एच सी एल, यहाँ आ जाएगा OH, तो अभी एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ एक OH से क्योंकि एक पानी है। सिमिलरली अगर मैं 3 मोल पानी और डाल दूं तो 3 मोल HCl बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा 4 OH, इसको बोलते हैं सिलिसिलिक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं सिलिसिक एसिड, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्शन विद हैलोजन,
जितने पॉइंट्स एनसीईआरटी में सिर्फ मेंस के लिए उतने ही पढ़ना, अभी जेडली उडली की जरूरत नहीं है, है ना। एडवांस का होगा तो मैं आराम से इसको और डिटेल में कराऊंगा, मेंस के लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है। चलो आप आते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये? कार्बन सॉलिड प्लस ओ टू, क्या बन जाएगा? टू मोल कार्बन। ऑफ कोर्स सफिशियंट अमाउंट नहीं चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। किसमें चाहिए? लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। और हाँ एक और है कि अगर आप फॉर्मिक एसिड को हीट करते हो, किसको हीट करते हो? फॉर्मिक एसिड को, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4। यहां काम करेगा कैसे? एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब इसे पानी निकाल देगा। बताओ अगर यहां से हम पानी निकाल दें क्या बचेगा? CO बचेगा। क्या बन जाएगा? CO प्लस H2O। क्या बन जाएगा? CO प्लस H2O। ओके, तो इस तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं, देखो कार्बन सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गैस, और अब पता है ये ठंडा पानी है गर्म पानी है? कल ही बताया था भाई साहब, एक तो ये भी हॉट होगा और ये भी क्या होगा, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। भाप चाहिए, स्टीम चाहिए, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है ये। तो क्या बनेगा ये? CO गैस प्लस H2। कल ही इसका नाम बताया था सर, वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, इन गैस या फिर सिंथेसिस गैस। छोटी छोटी बातें हैं जो वो पूछ सकता है। अच्छा एक और है, अगर ये रिएक्ट करे एयर से, एयर में क्या है आपका? O2 और N2 है, तो मेनली रिएक्शन तो ऑक्सीजन से हो रही है, N2 तो इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर बहुत टेम्परेचर दोगे तो भी बोले वही हम तो रिएक्शन करेंगे नहीं, तो ये C और O क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा और N2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका नाम क्या होगा पता है किसी को? CO प्लस प्रोड्यूसर गैस। एकदम सही, क्या नाम है? प्रोड्यूसर गैस। ऐसे आप पता है मैं पढ़ा रहा हूं आप बोलते रहोगे तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ यार कुछ तो हुआ था, एनसीईआरटी पढ़ो तो भूल भी जाओगे, है ना। चलो अब एक इसकी प्रॉपर्टी है जो बहुत फेमस है, कलरलेस ऑर्डरलेस है, वो तो है उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये मेरे भाई बहुत तगड़ा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? देखो ना कार्बन जब ले करते हैं उससे प्लस टू आ रहा है, ये तड़फ रहा है कि ये प्लस फोर हो जाए, तो मेटलर्जी में इसका बहुत काम आता है। सर कैसे आता है? देखो अगर आप कोई मेटालिक ऑक्साइड लोगे उसमें डाल दोगे CO, तो ये प्लस टू है इसको रिड्यूस करेगा, है ना, और यहाँ पे कितना है? प्लस टू, तो ये क्या कर देगा? प्लस टू से जीरो और अपना प्लस टू कहाँ जाएगा? प्लस फोर, तो ये मेटल को, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देगा। तो आप बताओ देखना कितना आसान है, आप रटोगे लेकिन मैं समझा दूंगा। बताओ क्या बनने वाला है? ये CO है, Fe2O3 प्लस CO, बहुत आसान है। Fe निकल जाएगा साथ में CO2, ये ऊपर हाल वाला, बस बैलेंस करना है, ठीक है। अच्छा देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में क्या होता है, लोग आग तापते हैं ना, आग जलाते हैं ऐसे, वो भैया बहुत ठंडी है। अगर आप ऐसा लेके आए आग और आप सोचे भाई साहब पैसा मैंने खर्चा किया है तो मैं ही आग का फायदा उठाऊंगा, सारे दरवाजे खिड़की बंद, सारे दरवाजे खिड़की बंद हो जाएंगे तो आप जिंदा बचेंगे सुबह तक, पता ऐसा लगता है क्या? आपको क्या लगता है? जिंदा कहीं नहीं बचेंगे सर, आग है सर, थोड़ी होगा सर, आग है सर, क्या होगा? अरे क्या बात कर रहे, देखो अगर CO है, क्या है CO? हीमोग्लोबिन से, बताओ क्या बनाता है? अच्छा देखो, अच्छा पहले तो ये आपको याद होगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
वेरी गुड, ऑक्सी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ तो पता है, अगर ध्यान सुनना, अगर आपके रूम में सफिशियंट ऑक्सीजन है तो वो तुरंत क्या बना लेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेकिन अब आपने क्या किया, आग जलाया है और सारे दरवाजे खिड़की बंद, ना हवा आएगा ना हवा जाएगा। तो लकड़ी जलाए थे उसमें कार्बन है, और आपने लिया ऑक्सीजन, जो रूम का ऑक्सीजन होगा वो सेचुरेट करेगा, क्या बनाएगा, CO2 या CO, क्या बनाएगा, CO2 या CO। तो सीओ बनाएगा, लिमिटेड सप्लाई हो गया ना, हाँ वो कहाँ लिमिटेड हवा मतलब में आने देगा। CO। अब CO है वो आपके खून से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, CO क्या करेगा आपके खून से, रिएक्शन है ना। अब जब खून से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब विच इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पता है दिस इज 300 times मोर स्टेबल, एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, 300 times हीमोग्लोबिन है। बताओ अब रूम में O2 भी था, रूम में CO भी था, लेकिन खून सबसे पहले क्या करेगा, CO से रिएक्ट करेगा। क्यों, खून को पता है कि अगर हम इससे रिएक्ट करेंगे, ये आदमी सांस ले लेके हमको परेशान कर दिया है, अब हम इसकी सांस को रोक देते हैं, कैसे, एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे और आप स्टेबल हो जाएंगे सुबह तक। समझ सकते हैं कैसे मरोगे, कैसे जिंदा रहोगे। यस ठीक है, तो ये कंपाउंड है, अब ऑक्सीजन आपको मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो भाई साहब खत्म, तो आप मर सकते हैं। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा माना जाता है, पॉइजनस गैस है। क्या है, पॉइजनस गैस। ठीक है, इतनी सी बात है जो सीओ के बारे में है, बहुत ढेर सारी बातें हैं लेकिन मेंस के लिए इतना ही सफिशियंट है। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 में क्या है, अब आपको चाहिए सफिशियंट ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अच्छा किसी भी हाइड्रोकार्बन में आग लगाओ तो भी CO2 बनता है, मतलब कम्बशन रिएक्शन होती है ना। अच्छा चूना को तोड़ दो, किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करते हो, क्या बनता है उसका, ऑक्साइड प्लस CO2। बताओ क्या बनेगा, Na2CO3। देखते हैं क्या बता पाते हो आप, क्या बनेगा मेरे लाल, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, अरे फंसे नहीं, वेरी गुड। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं, सही बात, दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर मैं लिखूं CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। पिंटे शीशा हो या समथिंग टूट जाता है, ये 2 मोल आएगा, शीशा हो या समथिंग आके टूट जाता है, क्या है ये, बताओ बताओ। अरे बड़ा आसान सा है, रटना थोड़ी ना, आयन एक्सचेंज करो मेरे भाई। अरे कैल्सियम पे 2+ है, कार्बन पे 2-, हाइड्रोजन +1 है, -1 है, तो आयन एक्सचेंज करो, क्या बन जाएगा, CaCl2। एकदम सही, ये बन जाएगा H2CO3, शीशा हो या H2CO3 आखिर टूट जाता है, कहाँ टूटेगा, H2O और CO2 में, कहाँ टूटेगा मेरे भाई, H2O और CO2 में। ठीक है चलिए, तो ऐसे ऐसे आप CO2 को प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा एक और बात है कि H2CO3 जब जाएगा कहाँ जाएगा, एसिड भी तो है ये, बाई कार्बोनेट आयन में, अब बाई कार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, H+ और कार्बोनेट में। अच्छा ये वीक एसिड है और ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस, जब वीक एसिड और कंजुगेट बेस अपने साथ रहते हैं बताओ वो क्या बनाते हैं, जब वीक एसिड अपने कंजुगेट बफर। बफर, तो जो आपका खून है वो एक्चुअली क्या है, एसिडिक बफर है, जो आपके खून के पीएच को मेंटेन करता है, किसके बीच में, 7.26 to 7.42। ठीक है तो एक बार पेज का ऊपर वाला हिस्सा दिखाइएगा।
जो CO2 है वो एक बफर मतलब खून में रखे क्या बनाता है, बफर बनाता है, एसिडिक बफर जो ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। अच्छा एक और बड़ी फेमस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। अच्छा सब लोग कॉपी में लिखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, देखते हैं आप जो लिखते हो जो मैं लिखता हूँ वो मैच करता है क्या। चलो लिखो तुरंत, लिखो तुरंत फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखो, देखो मैच करता है क्या। लिख लिए सबने, चलो मैच कराएं। 6CO2 + 12HCO, कई लोग यहाँ पे 6 लिखे होंगे। बताओ क्या आपने ये लिखा था कि सिर्फ 6H2O लिखा था, बताओ। सिर्फ सीसेस टू लिखे थे सर, फिर वहाँ वही बोलने वाले सर, क्लोरोफिल छोड़ दिया। हाँ मेरे भाई यहाँ पे 12 होगा, 6 नहीं होगा, यानी कि 6 यहाँ पे काट देंगे। फोटोसिंथेसिस में वाटर इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे काटना नहीं है, यही टाइप की बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। और CO2 अगर सॉलिड हो तो सब क्या 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 बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, क्या है छोटी छोटी बातें। और ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट है SiO2, नेक्स्ट क्या है SiO2, ये है सिलिका, ये क्या है सिलिका। अच्छा बताओ एक और क्वेश्चन है, CO2 इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड, बताओ क्यों, कौन बताएगा। CO2 गैस है SiO2 सॉलिड है, ऐसा क्यों। वेरी गुड, देखो ध्यान से, CO2 ऐसा होता है लेकिन SiO2 ऐसा नहीं होता, अब ये बात क्या हो गई। हाँ एकदम सही स्नेहा, सही बात। देखो यहाँ पे जो होता है वो होता है 2P π, 2P π क्या होता है, 2P π, 2P π, यहाँ क्या हो जाएगा 3P π और 2P π, ये उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसा बॉन्ड बनाता भी नहीं है, वो 3D नेटवर्क बनाता है, आपने देखा भी होगा ऐसा, क्या बनाता है 3D नेटवर्क। ऐसा होता है आपका SiO2, दिख रहा, जब ये 3D नेटवर्क बनेगा तो भाई साहब गैस फॉर्म में तो होगा ही नहीं, है ना, तो क्या होगा ये सॉलिड होगा, तो रीजन क्या है, ड्यू टू 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा एक और बात, SiO2 के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फस, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ये पूछ रखा है जेई मेंस में, पूछ रखा है जेई मेंस में, तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं और एमोर्फस की बात करूं, देखो क्रिस्टलाइन कौन कौन से होते हैं पता है आपको, क्वार्ट्ज होता है, एक होता है क्रिस्टोबेलाइट और एक होता है ट्राइडायमाइट। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडायमाइट, साफ दिख रहा, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडायमाइट, है ना। और एमोर्फस में पता क्या होता है, एमोर्फस वहां पर दिख नहीं रहा भाई साहब, एक होता है किल्सगर, KILSELGUHR, किल्सगर, और एक आता है सिलिका जेल। तो पूछ सकता है कौन सा फॉर्म क्रिस्टलाइन है और कौन सा फॉर्म एमोर्फस है। मैं प्योर एनसीईआरटी एकदम मेंस लेवल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ओके देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार दिखाएंगे पिछला पेज।
हाँ सर ठीक है। ओके मैं फिर से बोलो, मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ अब देखो ध्यान से, अगर SiO2 में मैं डाल दूं NaOH, क्या डाल दूं? NaOH ना, तो कैसा होगा? देखो SiO2 कल हमने पढ़ाया था कि ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कई कई बुक में आपको इसको मेटलाइट भी लिखा मिलेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी ने दिया है आपको वही लिखना होगा, है ना सर? उसने क्यों बोला नॉन मेटल? हर बुक में तो मेटलाइट लिखा होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे मिला दूं पानी, तो क्या ये एसिड बनता है या बेस बनता है या एम्फोटेरिक बनता है? ऑफ कोर्स क्या होता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड क्या बन जाएगा? देखो H2SiO3 दिख रहा क्या? अरे जैसे CO2 होता है वैसे सेम है H2SiO3। बताओ ये एसिड है ये बेस है, बताओ क्या बनेगा? रटना नहीं इक्वेशन को, मैं सिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो सॉल्ट बनेगा और पानी सॉल्ट बनेगा और पानी निकलेगा। तुम सॉल्ट का बताओ फॉर्मूला, बताओ सॉल्ट का फॉर्मूला, नहीं तो रटोगे। हाँ देखो ध्यान से, ये है एनायन, एनए होगा, ये है एसआई कैटायन, होगा। तो क्या हो जाएगा? Na2SiO3, और क्या निकल जाएगा? पानी। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ओके ठीक है। चलिए तो अगर मैं SiO2 को रिएक्ट करा दूं HF से, किसे करा दूं? HF से, क्या बनेगा ये? ऑफ कोर्स O क्या हो जाएगा? H से रिप्लेस, तो H और O क्या बन जाएगा? H2O। और सिलिकॉन और फ्लोरीन क्या बन जाएगा? SiF4। बस आयन एक्सचेंज करने हैं। क्या करना है? इसका +4 -2, +1 -1, 4 का -1 से, -2 का +1 से, तो आयन एक्सचेंज करो आंसर पाओ। तो इनऑर्गेनिक की आधी रिएक्शन तो आपके आयन एक्सचेंज से बन जाएंगी, ठीक है? चलो अब यहां पे एक आता है सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन, ये एक पॉलीमर है। एक क्या है? पॉलीमर है। कैसे है? देखो इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपीटिंग यूनिट इसको बोलते हैं R2SiO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R2SiO। अब ये कैसे रिपीट करेगा, क्या होगा सारा कहानी, मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, CH3Cl हमने 2 मोल लिया और डाल दिया सिलिकॉन, क्या बन जाएगा? इनवर्जेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ये बन जाएगा CH3 का ट्वाइस SiCl2। सिंपल सी बात है, सिलिकॉन था है ना, तो 2 मोल लिया है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ऐसे बन जाएगा। ओके चलो अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें 2 मोल डालता हूँ पानी, बताओ क्या बनेगा? अभी सिखाया था 2 मोल से निकल जाएगा, क्या बनेगा? सिलिकॉन, CH3, CH3OH और OH, है ना? यही मोनोमर है, यही क्या है? मोनोमर है। अब ये पॉलीमराइज होगा, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3OH, OH। आपने वो सुना है कंडेंसेशन पॉलीमर, सेम टू सेम। कंडेंसेशन और एडिशन दो टाइप का होता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल निकले उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। देखो ध्यान से, सपोज इसका हमने निकाल दिया क्या, एच निकाल, ओ एच निकाल दिया, क्या बन जाएगा? वाटर। रटना थोड़ी ना, इसका ओ एच निकला तो क्या निकल जाएगा? ओ एच। इसका एच तो इसका ओ एच, इसका ओ एच तो इसका एच। फिर से बोल रहे हैं, अपने को पानी निकालना है, क्या निकालना है? पानी। इसका ओ एच तो इसका एच, पानी भाग गया, ओ एच एच पानी भाग गया। इसका ओ एच नेक्स्ट वाले एच से जाएगा, इसका एच नेक्स्ट वाले ओ एच से जाएगा। तो एक बात बताओ, तो क्या आपको ये ऐसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? ओ सिलिकॉन CH3 CH3, फिर यहां पे ओ, देखो हाँ है ना, मतलब यहां कुछ नहीं आएगा क्या? ऐसा ही बन रहा है ना? ऐसे बन रहा है। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो बार बार रिपीट कर रहा है? देखो हाँ है ना, वही तो लिखा है मैंने R2SiO। R है यहाँ पे CH3, और SiO क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा। तो अगर ये रिपीट कर रहा है तो ये कैसे बनेगा? कुछ नहीं, पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा O और सिलिकॉन,
CH3 CH3 O, और बाकी क्या हो जाएगा, सिलिकॉन CH3 CH3 और ए, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये एक पॉलीमर है और इसी पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन बोलते हैं। जेई मेंस में आ चुका है ये, जेई मेंस में आ चुका है, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा बताओ, हम ऐसा क्या डालें कि इसका जो चेन का लेंथ है वो कंट्रोल हो जाए एक साइड से, क्या डालेंगे? चेन की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए क्या डालते हैं? ये जेई मेंस में आ चुका है, किसी को पता है? सत्यम, स्नेहा, श्रेया, पूजा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात। CH3SiCl4। देखो ध्यान से इसको एक बार देख लो, करना क्या है इसमें, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये OH हट जाए, या फिर ये OH हट जाए, मतलब कोने वाले हट जाए, तो वहां क्या लगा दोगे? CH3। तो ये लाइन जो मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडिंग CH3 का थ्राइस SiCl, है ना? ये सर कैसे? अरे पगले, ये डालोगे तो पहले इसको बना ले, पानी डाल के SiCl निकाल दे, क्या बन जाएगा? SiOH। तो अब ध्यान सुनना, ध्यान से, अब आप N मॉलिक्यूल ले लो इसके, लेकिन एक मॉलिक्यूल ले लो इसके, देखो इसका तो पानी निकाल लोगे आप, लेकिन क्या इधर से पानी निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, अब कैसे निकलेगा? तो जब ये बनाएगा तो क्या बनेगा? O, ये बनेगा, दिख रहा है? यहां से क्या हो गया? ये ब्लॉक हो गया, क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो ये जेई मेंस में आपके पूछ रखा है, आगे फ्यूचर में पूछ सकता है, ठीक है? इसके यूज आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, उसमें समझाने वाली बात नहीं है उतनी। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में कम दिया लेकिन फिर भी आता है, बताओ वो कौन सा है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो पता होगा, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बहुत कम दिया? क्या है? सिलिकेट। क्या है? सिलिकेट। देखो जैसे होता ना सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन क्या हो जाएगा? सल्फेट, है ना? नाइट्रिक एसिड का एनायन क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। वैसे ही क्या हो जाएगा? सिलिसिक एसिड का, सिलिसिक एसिड का जो एनायन होगा उसे क्या बोलोगे? सिलिकेट। जैसे मैं बोलूं कि मेरे भाई H4SiO4 है, इसके चारों H प्लस निकाल लो, क्या बनेगा? SiO4 4 माइनस। इसी आयन को मैं क्या बोलूंगा? सिलिकेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिलिकेट, ठीक है? अब कितने टाइप के होते हैं सिलिकेट पता है? पहला होगा ऑर्थो सिलिकेट, दूसरा होगा पायरो सिलिकेट, तीसरा कौन सा है? साइक्लिक सिलिकेट, चौथा कौन सा है? चेन सिलिकेट। चेन में दो आता है, सिंगल चेन सिलिकेट और एक आता है डबल चेन सिलिकेट, और लास्ट में आएगा 2D सीड सिलिकेट, और लास्ट आएगा 3D सीड सिलिकेट। ये इतने पढ़ने हैं, ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, चेन, 2D और 3D। सही है, तो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी क्यों पढ़ा रहे हो मेरे भाई? मुझे पता है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी से बाहर जो इंपॉर्टेंट चीज है मेंस के लिए वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
तो सिलिकेट में पहला पढ़ते हैं ऑर्थो सिलिकेट, आज ऑर्थो और पायरो पढ़ाएंगे। जैसे देखो ऑर्थो, अच्छा एक बात बताओ, रटना नहीं है कुछ, रटना नहीं है। अच्छा आपको बताया मैंने कभी कि ऑर्थो कब लगाते हैं, सुना होगा फॉस्फोरिक इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक, बोरिक इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक, लेकिन सल्फ्यूरिक इज नॉट कॉल्ड ऑर्थो सल्फ्यूरिक, बताया कभी मैंने? क्योंकि क्या होता है उसमें बताओ, अगर किसी भी एसिड का आप मेटा बना सकते हो मतलब पानी निकाल सकते हो तो उसे ऑर्थो बोल सकते हो। से H4SiO4 है, इसका नाम था सिलिसिक एसिड, तो आप इसे आराम से क्या बोल सकते हो? ऑर्थो सिलिसिक एसिड। H प्लस रिमूव कर दो, ये बनेगा SiO4 4 माइनस, क्या बनेगा SiO4 4 माइनस। ये जो सिलिकेट आयन था अब उसी का नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिलिकेट ही क्या है, ऑर्थो सिलिकेट। इसका मतलब ये तो बड़ा आसान है, O- 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 O-, ठीक है। देखो ये 3D वेव है, ये क्या है 3D। अच्छा अगर मैं इसका 2D बनाऊं, क्या बनाऊं 2D बताओ, ऐसा नहीं लग रहा? सपोज मैं आपको 2D बना दिखाता हूं, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दिख रहा तीन है ना, एक दो तीन ऐसे, और एक इसके ऊपर है। सपोज ये सिलिकॉन है, ये क्या सिलिकॉन, अब बताओ क्या आपको सिलिकॉन दिख रहा है? पहले आपको सिलिकॉन दिख रहा था ना, क्या अब सिलिकॉन दिख रहा है? आंसर है नहीं। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, सिलिकॉन को छुपा देगा और ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा एकदम। देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लैट, तीन आ जाएंगे एक प्लेन में और उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा चौथा ऑक्सीजन। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये है सिलिकॉन, ये क्या है सिलिकॉन, उसके जस्ट ऊपर एक ऑक्सीजन है, उसके जस्ट ऊपर क्या है एक ऑक्सीजन है, और ये बनाया है बॉन्ड इस ऑक्सीजन से, माइनस 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 माइनस, दिख रहा क्या, ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, क्या है 2D रिप्रेजेंटेशन, देख लो सब। तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, SiO4 4 माइनस, और कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं है, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, क्योंकि ये अकेला यूनिट है। लेकिन अगर वही मैं समझाऊं आपको पायरोसिलिकेट, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो हो जाएगा ZrSiO4, जिरकोनियम SiO4, अगर जिंक लोगे तो 2 आएगा, क्योंकि SiO4 पे 4 माइनस था, जिंक पे प्लस 2, जिरकोनियम पे प्लस 4 आता है। बताओ पायरो कब लगाते हैं तुम बताओ, व्हाट इज पायरोसिलिसिक एसिड, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिसिक एसिड, बोलो बोलो, सत्यम, नेहा, पूजा, श्रेया कहाँ है भाई, पायरो कब लगाते हैं पायरो, ये तो रटते रह जाओगे, बोलो यार पायरो कब लगाते हैं? 2 into acid minus water क्या बन जाएगा पायरो। तो देखो 2 into H4SiO4 है ना, इन माइनस क्या करना है वाटर, देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा H8SiO2 8 माइनस पानी, क्या बनेगा H6SiO2 7, एकदम सही श्रेया, ये है पायरोसिलिसिक एसिड। बताओ व्हाट इज पायरोसिलिकेट, इसके सारे H प्लस निकाल दो, क्या बन जाएगा Si2O7 6 माइनस, दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट, और यही है इसका यूनिट। हवा लगा क्या, डटना नहीं है मेरे भाई, सिखा रहा हूं मैं कि पायरोसिलिकेट की यूनिट कैसे आती है, पहले एसिड बनाओ फिर उसके एनायन को रिमूव कर दो। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, स्ट्रक्चर भी नहीं डट रहा, देखिए ऑर्थोसिलिसिक का पता है आपको स्ट्रक्चर, सिलिकॉन पे चार OS, ठीक है। चलो इनऑर्गेनिक जरूरी नहीं कि आप रटें, आप समझ भी सकते हैं, देखो OH 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 OH
कितने लेने? दो मॉलिक्यूल ले लिया, दो मॉलिक्यूल। क्या निकालना है? पानी, तो निकाल दिया मैंने पानी। बताओ जब पानी निकालोगे तो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या, है ना? दिस इज कॉल्ड पाइरोसिलिसिक एसिड। अब मैंने क्या बोला, इसके 6H+ निकाल दो तो 6 निकल जाएंगे, क्या बनेगा? O-, 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 O-,
मतलब अगर मैं बनाऊं 2D में, क्या बनाऊं 2D में, देखो ऐसा बनेगा, बताओ कितना ऑक्सीजन एटम शेयर है पर टेट्राहेड्रल में, एक टेट्राहेड्रल में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हैं? इसे मैच नहीं आएगा, बताओ क्या यही वाला शेयर है? हाँ है ना, ये वाला क्या है, शेयर है, क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर पर टेट्राहेड्रॉन, एक शेयर है, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं पूछूं एग्जांपल, स्कैंडियम ले लिया एक्स और Si2O7 ले लिया, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एक्स, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। हाँ इक्विलिब्रियम वाली क्लास आज नहीं होगी, कल लेंगे इक्विलिब्रियम वाली क्लास, आज मेरा रेजोनेंस में सेकंड क्लास है, मैं टाइम टेबल देखना भूल गया था, ठीक है, टाइम टेबल देखना भूल गया था, रेजोनेंस में मेरी सेकंड क्लास है, मैं जाना पड़ेगा, कल लेंगे। हाँ मेरे भाई, अरे 3 होगा, क्या बात कर रहे हैं, स्कैंडियम है वो, स्कैंडियम पे +3 होता है, और यहाँ और कितना है -6, कितना स्कैंडियम आएगा, 2 आएगा, तो Sc2Si2O7। सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? अरे IIT में आता हुआ है, IIT में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, बेरिल आया है IIT एडवांस में आया, मेन छोड़ो, ठीक है। तो सिलिकेट इतना ही करेंगे, हाँ अकॉर्डिंग टू NCERT कार्बन फैमिली खत्म हो चुका है, सिर्फ जियोलाइट बचा है, तो सर आप एक बार छोड़ दिए हैं, कौन सा सर, कार्बन का प्रॉपर्टीज सर, बस में सिर्फ फ्लोरेंस वाला सर, कैटिनेशन और वो वाला, वो समझाने वाला नहीं, उसका नोट्स भेजेंगे, मुझे पता था, है ना, उसमें कोई समझाने वाला नहीं ना, सिर्फ समझाने वाला पोर्शन पढ़ा रहे, चलो ओके। तो यहां तक आप प्लीज NCERT पढ़ लें, प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए बाय बाय सर, इसे पहले वाला पेज दिखा दीजिए जरा एकदम।